बच्चों, आज हम करेंगे ग्रामर पोर्शन में नाइन्थ क्लास का सबसे पहला टॉपिक है हमारा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, ताजमहल, दिल्ली, मिठास, ये सब क्या हैं? संज्ञा हैं। जैसे किसी व्यक्ति, व्यक्ति का नाम हो गया राम, वस्तु का नाम हो गया पुस्तक, स्थान का नाम है दिल्ली, गुण भाव हो गया मिठास, मीठा, ठीक है। गुण हो गया किसी की सुंदरता, सुंदर, मिठास हो गया भाव। तो दोबारा से देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन। सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक का व्यक्तिवाचक, एक किसी एक व्यक्ति का, किसी एक स्थान का और किसी एक वस्तु का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, रमेश एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, इस तरह गंगा और आगरा, ठीक है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण व्यक्तियों, पदार्थों, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पूरी जाति आ गई मनुष्य में, कोई भी हो सकता है। पुस्तक, पुस्तक कोई प्रॉपर दी नहीं है कि कौन सी पुस्तक है। अगला है नदी, नदी को एक प्रॉपर नदी का नाम नहीं दिया, बहुत नदियाँ, कोई नदी हो सकती है। तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, जाति के संपूर्ण व्यक्तियों, पदार्थों, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी के भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के भाव का, गुण का, दोष का या अवस्था आदि का बोध होता है उसे, या किसी वस्तु का बोध, भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, अवस्था हो गई, सुख भाव हो गया, मानवता ये भी भाव है, चंचलता किसी का गुण है, ठीक है। तो ये सब क्या है? जिस संज्ञा से किसी के भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के आगे दो भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, पीतल, चांदी, तांबा, ये क्या है? वस्तु है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है कि जिससे कोई वस्तु बनी होती है उसे कहते हैं द्रव्यवाचक। अगला है समूहवाचक संज्ञा। बहुत से संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति के सूचक ना होकर एक समुदाय या समूह का सूचक होते हैं। तो जो एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताते बल्कि एक समूह के बारे में बताते हैं, समुदाय के बारे में बताते हैं, उसे कहते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, कक्षा एक छात्र से तो कक्षा बनती नहीं, बहुत से छात्र होंगे। परिवार, परिवार में लोग होते हैं, मतलब बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये संज्ञा पूरी हो गई, तो नेक्स्ट है अब सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा तो लिख दी है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के छह भेद हैं। कितने भेद हैं? छह। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके लिए कुछ कहा जाए के लिए प्रयुक्त होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में वह, वे, ठीक है। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह राम है, वे सब भारतवासी हैं, ये सब क्या है? निश्चय बता दिए कि यह राम है,
वे सब भारतवासी हैं। अगला है, तीसरा पॉइंट इसका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है, पता नहीं है क्या काला है। दरवाजे पर कोई है, पता नहीं कौन है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, किसी से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम को कौन नहीं जानता, और कौन क्या है? प्रश्नवाचक। दरवाजे पर कौन है, तुम दिल्ली कब जाओगे, ये क्या है? प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से, तो ये सब क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप को देखो, दूसरों की चिंता मत करो। अपने आप को है, आप क्या है? निजवाचक, अपने आप, ठीक है। भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। भगत सिंह ने अपने आप को किसके लिए प्रयोग किया? अपने स्वयं के लिए प्रयोग किया है अपना, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध का बोध हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है। फल कौन पाता है? जो प्रयत्न करता है। यह वही है जिसे आपने पुरस्कार दिया था, वही जिसे, ये सब क्या है? संबंध, आपस में संबंध बताया जा रहा है, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये यहाँ पर हमारे दोनों टॉपिक पूरे हो गए हैं। पहला है संज्ञा और दूसरा है सर्वनाम। ये आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और लर्न करने हैं।